अरे जो लोग यूं कहते हैं तिरंगा झंडे रोग तिरंगा उठाई वाह होगा यूं कहती बागेशन कांग्रेस है आज तिरंगा उठाई वाह मने करते अरे इकहत्तर यू खत्म हो गई और यू खत्म होंगी यहाँ में इकहत्तर क्या है तुम बताओ मुझे मालूम ना बताओ मालूम तो आपने भेज कर रखा है हम तो देश की जनता से निकलेगा ना जो आदमी होगा जो पॉलिटिकली आदमी होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा और राहुल गांधी की सरकार में ये है कि जितने जो बेरोजगार लोग हैं उनको हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलता है और नौकरी मिलती है तमाम सारी और जनता मतलब ज़्यादातर खुश रहती है बट जब से मोदी जी आए हैं गवर्नमेंट वैकेंसी प्राइवेट वैकेंसी इतनी सारी निकल रही है कि नर्सिंग स्टाफ पैदा नहीं हो रहे हैं इतने नर्सिंग स्टाफ की जॉब निकल रही है देखिए अभी तो जो है कि बहुत समय बचा हुआ है मई में चुनाव होना है लेकिन मेरा निवेदन है सभी से भारत की जनता से कि वो मोदी को भी प्रधानमंत्री बनाएं पिछले 9 साल में उसकी जो कारगुजारियां रही हैं वो हमको नहीं दिखती हैं लोग जो है कि आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए हैं वो नया एक्टिविटी लेके आता है और नया अपना एक्टिव होकर के काम करता है मोदी साहब अच्छा काम कर रहे हैं थोड़ी सी जो हमारी कुछ हैं टिप्पणियाँ उनको हम सुझा रहे हैं जैसे गैस है मोदी जी बनेंगे और कौन बनेगा और कोई है ही नहीं उनके मुकाबले में दो बार प्रधानमंत्री के तौर पर दो बार और बनेंगे अगर काम की गति रुकती है तो फिर भारत ऐसे गर्त में जाएगा श्रीलंका और छोटे देशों से ज़्यादा हमारी हालत खराब हो जाएगी और मैं मानता हूँ कि देश आगे बढ़ा देश तरक्की कर रहा है लेकिन भाजपा में सारे लोग मोदी नहीं है मैं इस बात को भी कहना चाहूँगा और हम आज से 20 साल बाद कांग्रेस को बता सकते हैं कि प्रियंका लड़की लड़का बनेंगी आज तक कोई भी प्रधानमंत्री पूरा नहीं बिठाया कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार आपके देखिए तो मैं भविष्यवाणी करता नहीं हूँ ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ बनेंगे नमस्कार आप देख रहे हैं NBC भारत का खास कार्यक्रम कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए हम तमाम लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो कुछ चल रहा है देश की सत्ता में केंद्र में जो कुछ चल रहा है उसके मद्देनज़र किसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं देश की सत्ता में 2024 में आने के लिए तो हम तमाम लोगों से बातचीत करके उनकी प्रतिक्रिया लेंगे उनसे जानेंगे कि अधिकांश लोग इस बार जो है किसे चाहते हैं कि कौन भारत का प्रधानमंत्री बने 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ CPP एक सज्जन हैं इनसे हम बातचीत करके इनकी राय जानेंगे कि इनके हिसाब से 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा और क्यों देखो चक दे इंडिया है चक दे इंडिया होगा और जनता हिंदुस्तान के लोग जिसे चुनेंगे वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा इंडिया को जो पसंद करता है वो इंडिया के साथ खड़ा होगा जो इंडिया की असामाजिक तत्वों के साथ खड़ा रहता है जो माहौल को वक्त वक्त पर बदलते हैं और बाहर जाके भाषण कुछ और देते हैं यहाँ कुछ और होता है उससे हमें निजात मिलनी चाहिए NDA के समर्थन में है कि इंडिया के समर्थन में है हम तो हमने कहा चक दे इंडिया वो कैसे कही वो तो ममता बनर्जी का नारा है नहीं वो फिल्म आई थी उसका है ये ना आपका है ना मेरा है प्रधानमंत्री फिल्में कुछ देख के इतिहास ही बनती हैं प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं देश की जनता से उसको चुने को प्रधानमंत्री होगा आप किसे देखना चाहते हैं हम तो देश की जनता से निकलेगा ना जो आदमी होगा जो पॉलिटिकली आदमी होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा जिसे राजनीति की पूरी समझ होगी जिस तरीके से कांग्रेस शासन किया इस तरीके से बीच में आके गुजराल साहब भी आए VP सिंह भी आए बहुत लोग आए ना जाने किसके नसीब में लिखा होगा लेकिन जनता जिस गठबंधन को चुनेगी उसको चक इंडिया पसंद करेगा वही गठबंधन की सरकार का PM बनेगा कौन बनेगा प्रधानमंत्री देखिए प्रधानमंत्री के लायक तो फिर राहुल गांधी हैं वो उनके सरकार में जैसे हर चीज़ है मतलब कि बेरोजगारी भत्ता गरीब लोगों की मदद करना वो एक मतलब अच्छे नेता हैं देखिए सरकार तो इनकी भी अच्छी है मगर इनके में क्या है कि ना बेरोजगारी ना रोज़गार सबको मिल रहा है और उसके बाद ये कि जनता बहुत सारी मतलब परेशान है किसी को मतलब काम नहीं मिल रहा है और राहुल गांधी की सरकार में ये है कि जैसे जो बेरोजगार लोग हैं उनको हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलता है और नौकरी मिलती है तमाम सारी और जनता मतलब ज़्यादातर खुश रहती है और इसमें क्या है कि नोटबंदी करना जनता को परेशान करना मतलब ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ हैं और महंगाई तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा हो गई है 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा किसे लोग चाहते हैं अधिकांश लोग किसे चाहते हैं कि कौन प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र में आए दिल्ली की सत्ता पर किसको जो है लोग पसंद कर रहे हैं लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानेंगे इस बार अंकल जी किसे चाहते हैं कौन देश का प्रधानमंत्री अभी तो मोदी जी आएंगे और तो मोदी जी दो उनके कार्यकाल लगभग नियर अबाउट बीतने वाले हैं 9 साल हो चुके हैं 9 साल में ऐसे कौन से काम काज हैं जिसके चलते आप नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखिए ना एक तो मेरी पेंशन बड़ी है चाहे आप इसको
छोटा कारण माने लेकिन लाखों लोगों की बड़ी है, ठीक है ना। और उसके अलावा हजारों किलोमीटर सड़क बनी है, एयरपोर्ट्स कितने बन गए हैं, पहले तो गिने चुने थे, अब एयरपोर्ट्स काफ़ी हो गए। उसके अलावा जो हाईवेज हैं वो भी काफ़ी बनी है। इसके अलावा ये जो एम्स कई खुल गए हैं, पहले तो 4-5 थे, अब तो शायद 11 या 12 हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हो। तो तरक्की तो हुई है, ऐसी बात तो नहीं। तरक्की के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से दोबारा देखना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे एक युवा साथी हैं, उनसे हम बातचीत करके इनकी राय जानेंगे। किसे इस बार चाहते हैं कौन प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी को। क्या कुछ वजह है? वजह यही है कि हम लोग मेडिकल फील्ड से हैं। इससे पहले जब हम पढ़ाई करके कंप्लीट की थी तो जॉब वगैरह ढूंढते रहते थे, नहीं मिलती थी। बट जब से मोदी जी आए हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी, प्राइवेट वैकेंसी इतनी सारी निकल रही है कि नर्सिंग स्टाफ पैदा नहीं हो रहे हैं, इतने नर्सिंग स्टाफ की जॉब निकल रही है। अब जिन लोगों को जॉब नहीं है वो नहीं है, लेकिन हमारे लिए जॉब काफ़ी जॉब है। कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ जॉब मिल जाती है, ये हो गया है। वैसे भी हम लोग यूपी के रहने वाले हैं बट चाहेंगे मोदी जी को। यूपी में कहाँ से रहने वाले? आगरा से। तो आगरा में क्या है इस बार माहौल, आप लोगों को कैसा समझ में? पूरा ही माहौल चेंज कर दिया योगी जी ने, पूरा ही माहौल चेंज कर दिया आगरा में। हर जगह जो रोड खराब जो भी कुछ था, हम जाते हैं 2-4 महीने में तो रोड वगैरह सब कुछ एक नंबर का मिलता है, हमको एक नंबर का। यूपी में पूरा बढ़िया कर दिया है। जो हमारी ज़मीन वगैरह थी उनकी भी रेट, जैसे जब 2-2.5 लाख रुपए चल रही थी, अब 7-8 लाख ये चल रहा है वहाँ पे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करके उनकी राय जानेंगे। इस बार जो है अगला प्रधानमंत्री देश का कौन बनने वाला है, कौन बनेगा इस बार अगला प्रधानमंत्री देश का 2024 में? मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। उसके पीछे रीजंस ये हैं कि जो बीजेपी की जो बीजेपी एज ए स्ट्रांग होल्ड, उनके वोट्स वगैरह काफ़ी हैं और उनके काफ़ी बहुत से अच्छे काम किए हैं फॉरेन पॉलिसी से लेकर एवरीथिंग। सो यू नो आई बिलीव सम हाउ चांसेस ज़्यादा हैं कि बीजेपी के आने के। नियर अबाउट 2 कार्यकाल बीत गए हैं, 10 साल का समय धीरे धीरे बीत जाएगा, 9 साल पूरे हो चुके हैं। तो 10 साल में कौन से ऐसे कामकाज हैं जिनके आधार पर आप फिर से चाहते हैं कि फिर से जो है तीसरी बार मोदी गवर्नमेंट रिपीट हो? नहीं नहीं, मैं चाहता नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है। मैं पॉलिटिकली एथियस्ट हूँ, इफ दैट्स अ टर्म। तो मैं पॉलिटिकली एथियस्ट हूँ, मैं चाहता कुछ नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मोदी कैन बी नेक्स्ट पीएम फिर से। और उसके पीछे रीजंस ये हैं कि बहुत सारे काम हुए हैं, चाहे आधार से लेके जो 20 कब हुआ था आई थिंक GST वगैरह, जिसने लोगों को कुछ हद तक परेशान किया, बट लॉन्ग टर्म में फॉर द कंट्री के लिए वो एक बहुत अच्छा मूव था, जिससे बहुत सारी डेवलपमेंट भी आई इंडिया में। एंड हम ये किसी से छुपा नहीं है कि जो इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है वो पहले से काफ़ी अच्छी हुई है, एंड वन रीज़न इज़ दिस गवर्नमेंट। चलिए और लोगों से बात करके उनकी राय जानते हैं, इस बार कौन प्रधानमंत्री बन रहा है आपको? देखिए अभी तो जो है कि बहुत समय बचा हुआ है, मई में चुनाव होना है, लेकिन मेरा निवेदन है सभी से, भारत की जनता से, कि वो मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाएं। पिछले 9 साल में उसकी जो कारगुजारियां रही हैं वो हमको नहीं दिखती हैं, लोग जो है कि आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए हैं। दरअसल पिछले 9 साल में जिस तरह का विकास हुआ है हमारे यहाँ, जो अवसंरचना विकसित की गई है, उससे जो है कि हमारा आर्थिक विकास आने वाले समय में द्रुत गति से होगा। अच्छा एक बात मैं और बता दूं कि अगर मोदी को नहीं लाया गया तो हम अपनी संस्कृति के साथ, अपनी विरासत के साथ द्रोह करेंगे, उनको विनष्ट कर देंगे। इसलिए हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को और अपने पूरे देश को बचाने के लिए मोदी को लाएं। अभी मोदी के बारे में नहीं दिखाई दे रहा है कुछ भी, आप तो देख ही रहे हैं 26 जो है कि विपक्षी दल जो एकत्रित हो गए, एक साथ एकत्रित हो गए हैं, वो सारे जो है गुंडे, बदमाश हैं, मवाली हैं, और वो जो है केवल इसलिए कि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना हो जाए, उनके बैंकों में, विदेशी बैंकों में रुपए जमा है, धन जमा है, और वो उससे बचने के लिए एकजुट हो रहे हैं। केजरीवाल के बारे में आप जानते ही हैं, केजरीवाल किस तरह का आदमी है, वो जो है कि क्या कहते हैं कि नकाब ओढ़े हुए है सारे, वो गलत काम कर रहा है। अभी उसने जो है कि 60 करोड़ रुपए केवल अपने आवास पर लगा दिया। वो कहता था कि मैं आम आदमी हूँ, मैं ज़मीन पर सोऊंगा, मैं पंखे की हवा में सोऊंगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कूलर की हवा में सोऊंगा। आज वो जो है कि लेविशली जो है कि लग्जूरियसली ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। इसलिए मेरा सभी पूरी जनता से अनुरोध है कि वह जो है, वे लोग, जनता जो है हमारी, वह मोदी को अगली बार लाए। दूसरी बात एक और है कि वो जो है कि देख रहे हैं सांप्रदायिक उन्माद बढ़ गया है, सारे विस्तर बाहर निकल आए हुए हैं,
सुन रहे हैं ना, सारे विस्तर बाहर निकले हुए हैं। अगर अपने देश को, एक कट सत्य कहूंगा, इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनाना है तो मोदी को लाना आवश्यक है। धन्यवाद। और लोगों से बात, इस बार अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा 2024 में? लगातार दो बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता ने भरोसा जताया, आपको क्या कुछ लगता है 2024 में कुछ बदलाव होना चाहिए या फिर से जो है तीसरी बार उनको रिपीट होना चाहिए? देखा जाए तो बदलाव भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब नया सप्ताह में कोई भी प्रशासन आता है वो नया एक्टिविटी लेके आता है और नया अपना एक्टिव होकर के काम करता है। सभी नेताओं को जब नया किसी को या मैनेजर है कोई भी है, जब अपन नई सीट संभालता है तो उसका प्रशासन टाइट रहता है और उस सारी गतिविधियों को देखता है। कंपटीशन होना चाहिए, फाइट अच्छा होना चाहिए, विपक्षी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर विपक्षी स्ट्रांग नहीं होगा तो कोई भी अपनी मनमर्जी करेगा। काम कहाँ होता है? जहाँ विपक्ष तगड़ा होता है, सामने वाला तगड़ा होता है। मोदी साहब का प्रशासन बहुत अच्छा है, रहेगा, करेंगे, बट थोड़ी सी कुछ कमियां हैं, उन पर हमें विचार करना चाहिए। सबसे बड़ा है, आज हम युवा है, युवा चाहता है कि अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोज़गार मिले, उससे ना कोई राजनीति से मतलब है, ना किसी पब्लिक से मतलब है, उसे फोकस है सिर्फ अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रोज़गार। अभी जो महंगाई का मुद्दा है, जैसे गैस है, टमाटर है, थोड़ा सा हम जो हमारे माफिया हैं जो बैठ ठोक करके बैठे हुए हैं उस पर थोड़ा लगाम कराना चाहिए, क्योंकि आम जनता को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है वो खाने पीने की सब्जियों से होती है। अगर सब्जी हमारी महंगी होंगी तो हमारा बजट ऑटोमेटिकली बिगड़ जाएगा, क्योंकि अगर मेरे को इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है वो इतनी ही है, वो बड़ी तो नहीं है, वो मेरे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो मेरा बजट ही टोटली फैल जाएगा। तो मेरा कहने का है, मोदी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ी सी जो हमारी कुछ हैं टिप्पणियाँ उनको हम सुधार रहे हैं, जैसे गैस है, सब्जी महंगी हो गई है और सारी चीज़ें, इन पर फोकस दें तो हम बेटर कर सकते हैं। इस बार कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए आपके हिसाब से? मोदी जी बनेंगे और कौन बनेगा, और कोई है ही नहीं उनके मुकाबले में। कौन दो बार जो है, दो बार प्रधानमंत्री के तौर पर बनेंगे, दो बार और बनेंगे। बहुत लोकप्रिय हैं देश में भी और विदेशों में भी। उनके मुकाबले इंडिया में कोई नहीं है। बारह पत्रकार महोदय, उनके मुकाबले में इस समय इंडिया में कोई नहीं है। कौन उसके सामने खड़ा होगा? सब झंडू बाम है सब। इंडिया के नाम से विपक्षी दल बना है। इंडिया के नाम से कोई बात नहीं, इंडिया के नाम से बनता रहे कोई बात नहीं, भारत है हमारा है, स्ट्रांग होना चाहिए। इनके मुकाबले कोई नहीं है इसकी आज की तारीख में। आपके हिसाब से किसे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में है वही रहेंगे। कारण पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है, हाँ। युवा भी देख रहा है, वरिष्ठ भी देख रहे हैं, मिडिल वर्ग भी देख रहा है। सरकार सबको साथ लेके काम कर रही है, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो शिक्षार्थी हों, चाहे वो छोटी क्लासेस के एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, हर क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है, हर क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये कारण है भारत आगे बढ़ रहा है, मेरा भारत बढ़ रहा है। जो भारत बढ़ना चाहिए था 70 साल में वो नहीं बढ़ा। किसी भी कोई यथाकथित जो भी बातें हुई हम उस पर नहीं जाना चाहते। अब अगर काम हो रहा है तो काम की गति रुकनी नहीं चाहिए। हम एक ही चीज़ जानते हैं, काम की गति रुकनी नहीं चाहिए। अगर काम की गति रुकती है तो फिर भारत ऐसे गर्त में जाएगा, श्रीलंका और छोटे देशों से ज़्यादा हमारी हालत खराब हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे सर, इस बार प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहते हैं? नहीं देखिए, आप तो मोदी रहे, आप तो जनता का मूड जानते रहते हैं और जनता का मूड भी यही है, लेकिन जो देश के हालात हैं वो ठीक नहीं है। मेरा ये मानना है कि जैसे अभी गठबंधन बना, देखिए पहले भी गठबंधन बने, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 36 दलों की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाई, तो जिस तरीके से गठबंधन को लेकर बातें कही जा रही है, निश्चित रूप से विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए देश की मजबूती के लिए। और मैं मानता हूँ कि देश आगे बढ़ा, देश तरक्की कर रहा है, लेकिन भाजपा में सारे लोग मोदी नहीं है। मैं इस बात को भी कहना चाहूँगा, मैं स्वयं भाजपा में रहा हूँ और लीडर नहीं डीलर है मोदी को छोड़कर, क्योंकि मोदी योगी कुछ गुने चुने नेता हैं, लेकिन इस देश का और राज्य का और समाज का भला तब होगा जब हर प्रदेश में, हर जिले में, हर जो छोटी इकाई, इनकी मंडल की इकाई होती है, वहाँ तक मोदी जैसे लोग होंगे।
तो कहीं ना कहीं ये लोग पलीता लगाने में लगे हुए जो मोदी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से क्या होगा, लोकसभा चुनाव आएगा, लोग किसी गधे को भी सांसद बना देंगे मोदी के नाम पे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब राजनीति में कम से कम शुचिता आनी चाहिए और मोदी जी को स्वयं देखना चाहिए कि उनकी पार्टी में कैसे लोग हैं। आज अगर भ्रष्टाचार की बात की जाती है तो भ्रष्ट कांग्रेस भाजपा में भी तो भ्रष्ट लोग हैं, तो ये नैतिकता ही होती है कि पहले अपने लोगों को अंदर किया जाए। मतलब आप तभी तो आप एक एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल कैसे वो किया जाता है, इस देश में लाल बहादुर शास्त्री ऐसे ईमानदार नेता भी रहे। आज देखिए देश निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो देश का माहौल है वो बदल रहा है, तो उस मतलब उसमें आप देख ही रहे कि किस तरीके से देश की राजनीति हो गई है। समीक्षा बैठक भोपाल में हुई, मोदी जी ने जो दर्द कर्नाटक और पंजाब हिमाचल में देखा, खुद देखा, उसको आभास किया, उस आभास के नाते मोदी जी ने मंडल के कार्यकर्ताओं को, छोटे छोटे विस्तारकों को ले जा करके वहाँ पर 2500 विस्तारक ऐसे खड़े किए जिनको उन्होंने 2.5 घंटे की क्लास खुद अपने आप दी, जिसमें पन्ना प्रमुख थे, जिसमें मंडल के बूथ के अध्यक्ष थे हमारे, बूथ जो बूथ चलाते हैं, जो बूथ में रहते हैं। पन्ना प्रमुख में एक वोटर लिस्ट का एक पेज होता है, उसके अंदर सिर्फ कितने 30 घर होते हैं, 20 घर होते हैं, 10 घर होते हैं, वो दिए जाते हैं पन्ना प्रमुख, उस 10 घर की चिंता वो करेगा। यह नीति मोदी जी ने दर्द महसूस किया कि नहीं हो रहा है, इसलिए खुद उन्होंने कदम आगे बढ़ा करके 2.5 घंटे की क्लास 27 तारीख को अभी लगाई थी भोपाल में। पूरा भारत वहाँ इकट्ठा था, पूरे भारत के कार्यकर्ता भाजपा से वहाँ 2700 कार्यकर्ता चुन चुन के गए थे, दिल्ली से भी 40 कार्यकर्ता गए थे। तो ऐसे दर्द को महसूस करने के बाद अगर वो इकाई काम करने के लिए अग्रणी है तो आगे जरूर बढ़ेगा, और भारत आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ेगा नित्य प्रतिदिन। अभी आप देख लीजिए चंद्रयान हमारा गया है, 20 तारीख को अपनी उस सीमा में वो प्रवेश कर जाएगा जिस सीमा के बाद हमें पूरी हम आश्वस्त हो जाएंगे कि हमारा आप चंद्रयान आगे बढ़ जाएगा। पिछली बार भी हमने चंद्रयान छोड़ा, हम थोड़ा सा 99.9 हम सक्सेस हो गए थे, थोड़ी सी हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी तकनीकी खराबियां होती हैं, वैज्ञानिक हैं वो, अगर उसमें भी हम कामयाब थे आज भी हम कामयाब हैं। चाइना तक आज हमारे इसरो की तारीफ कर रहा है, तो ये किसकी देन है? मोदी जी ने उसमें भी बोला जब हमारा यान मिशन फेल हुआ था, मिशन मंगल, तब भी उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अब चिंता मत करो, हम पैसे लगा, आप काम करो, हम पैसे लगाएंगे। यही प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री कहते थे पेड़ पे पैसे नहीं आते, वही देश आज भी है। आज पैसे हर जगह लगाए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रक्षा विभाग हो, तकनीकी विभाग हो, डॉक्टरी विभाग हो, हर जगह पैसा लग रहा है और हर चीज़ बढ़ रहा है। तो भारत विकास कर रहा है, भारत की विकास गति रुकनी नहीं चाहिए और हम जल्दी विकसित देशों में हम काउंट किए जाए। और लोगों से बात करते हैं, इस बार आपको क्या लगता है कौन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे, मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे, बनेंगे नहीं रहेंगे। कारण अर्थव्यवस्था और विदेश नीति है मेन, और जो सामान्य तरह थे माहौल सही है, कोई दंगा ना देश में, कैसे कहू बात को, जो पहले दंगा होते ही। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि देखो सरकार ने टॉयलेट सबसे ज़्यादा बनवाई है, आवाज सबसे ज़्यादा दें और सबको दें, कोई भेदभाव ना जामे करो, कुंसी बिरादरी को, कुंसी जाति को, कुंसे धर्म को जिनाए करो। तीसरी बात 370 सपनों से लगती के कबू हट सकते है, 370 हटी है। राम मंदिर के लिए जाते पहली सरकार न्यू कहती कि राम मंदिर राम को अस्तित्व ही नहीं, राम थे ही नहीं। एक मागी लेडीज ने आएगी का नाम हुए बाहर की लेडी सोनिया गांधी ने आई कि यहाँ इटली थे, यूँ कह रही कांग्रेस नेतन थे कि भाई राम को, राम तो कुछ है ही नहीं, राम का स्तुति नहीं है, ये राम मंदिर कहाँ से ले रही। जब राम मंदिर को निर्णय आयो तो कांग्रेस के जिस शब्द है मैं मस्जिद बनेगी, अब वो ऐसे कब दे जाएंगे या देश में मस्जिद बनाए भी ला करेंगे इन्हें कांग्रेस नाम लेगी। 370 हटी तो रोब थे कांग्रेस के 370 हम लाएंगे, 370 लाए वे लाख पब्लिक चाह रही है कि 370 आवे, नहीं चाह रही है बताओ। नहीं नहीं नहीं, भ्रष्टाचार छोटे स्तर पे है अभी थोड़ा बहुत, बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार खत्म भी हुए, भ्रष्टाचार पे बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार खत्म भी हुए, छोटे स्तर पे भ्रष्टाचार अबू हतु है। मान हुए कि माँ की कंडीशन अलग है, जैसे कि यहाँ हमारे दिल्ली के आसपास या आगरा मथुरा अलीगढ़ जिनमें कोई नेता का हुआ गाली दे दे तो चुनाव हार को, और बंगाल में जो जितना महत्व है जितने आदमी ने उतना चुनाव लड़ते है। जिस सबरे विपक्षी न्यू कहते हैं कि या देश में कानून व्यवस्था बढ़िया ना है, अब एक और सूरमा बंगाल में कांग्रेस के नेता मरे, कांग्रेसों के कार्यकर्ता मरे, माटिया संविधान बहुत बढ़िया चल रहा, माँ कोई संविधान में खतरा ना है।
जिनके दोहरे चेहराए पब्लिक देख रही है। जितने भी गठबंधन में 26 पार्टी आई हैं, इनमें से एक नेता बता दो कि अपने जी खेत होगा मैं अपने परिवार के अलावा जय नेता बता बना बतू एक हो, मतलब प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बता दो कोई नेता हो। सबर जी मैं बेटा बनेगो कि मेरी बेटी बनेगी कि मैं दामाद बनेगो कि मैं चाचा को बनेगो कि मैं फूफा को बनेगो। बीएपी में कोई यहाँ इतने आदमी इनमें जी बता देगा अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनेगो। और हम आते 20 साल बाद कांग्रेस को बता सकते हैं कि प्रियंका लड़की लड़का बनेंगे 20-25 साल बाद, और आज बता रहे हैं यह बातें और आप देख लियो बनेंगे। खड़गे जी कछु दिना के लिए बना रहे हैं, खड़गे जी नेक दिन बाद प्रियंका को नंबर हुआ, बोलो को देगा टक्कर कांग्रेस या बीएपी है। मोदी देश की शान है, विदेश में जब जाके बोलते हैं तो जो ट्रंप था पहले जाते पहले मांगो राष्ट्रपति तो मोदी जी एक माँ गए विजिट में तो एक बच्ची हिंदुस्तान की माठिया तो गाय पूछी कि ट्रंप आ रहे हैं या आप आइयो, कि ट्रंप तो मोदी के लिए आ रहे हैं, हम मोदी के लिए आए ट्रंप के लिए ना आए। भारत की लड़की जावा तो छोटी 7 साल की 8 साल की लड़की को जी बयान हो कि भाई हम मोदी ट्रंप साहब मोदी के लिए आ रहे हैं, हम मोदी के लिए आ रहे हैं, वो देश है पीछे थे आए के प्रधानमंत्री और देश को हाथ मिलाए के लिए भागत हो। पहले तो आता ही नहीं था, कोई भी नहीं आता जी, देश का प्रधानमंत्री कोई भी नहीं आता था, पहले प्रेसिडेंट कोई भी नहीं आता था। 370 हट के स्वागत करते हैं, 371 कब हटेगी? 371 कब हटेगी? 71 भी है, मेरी बात तो सुनो, 71 क्या है, मेरी बात तो सुनो, 371 क्या है, तुम सुन बना जा रहे हो, सुनो बता दो पहले, सुनो देखो जा देश में ऐसी 370-335 है के अटवे को नाम ना ले कांग्रेस न्यू कहती सुनो पहले पहले पूरी बात तो स्वागत करो आप, मैं पूछो 371 क्या है। अरे जो लोग न्यू कहते हैं कि मां तिरंगा झंडे रोग तिरंगा उठाएगा ना होगा न्यू कहती गागा संग कांग्रेस है आज तिरंगा उठाएगा इन मने करते मेरी बात का जवाब दो 371 क्या है। अरे 71 ही खत्म हो गई और वो खत्म होंगी जामे 371 क्या है तुम बताओ, मुझे मालूम ना बताओ, मैं मालूम तो आपसे भैंस कर रखा है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मुद्दा, मैं मुद्दा पे यहाँ पे कर रहा हूँ, जहाँ मुद्दा की तैयारी करके आया हूँ, तो आपने भेद करना पागल बनती हमारी, मैं जहाँ मुद्दा की तैयारी करके आया हूँ वहाँ पे कर रहा हूँ, आप बताओ तुम क्या बताओ, हटियाई चिंता मत करो सब हटियाई। देखो राम मंदिर पे कोर्ट ने फैसला दे, पर कांग्रेस कोर्ट में यूं कहती कि जाके सुनवाई नहीं होनी चाहिए, राम मंदिर ही बहुत आगे यूं कह देते हैं लोग क्या कांग्रेस कोर्ट से बह कोर्ट में तो बहस करवाई जाएंगी, तुम वकील खड़ा करना पड़ेगा जब वही होगी, अगर वकील ने खड़ा करा मुकदमा जजमेंट कैसे होगा, जजमेंट के ले तो तुम्हें प्रयास करने पड़ेंगे, मुकदमा जब तक लड़ोगे तो वाके बाद में मुकदमा जजमेंट आवेगा, तो हमें बीएपी को योगी को हाथ कौन बनेगा प्रधानमंत्री कौन मोदी हो लिया 2024 में भी और उसके बाद में ही मोदी रहेगा, कोई ना मोदी वजह बस वजह कौम है हिंदुस्तान के अंदर उसके कौम है। और मामा दो 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 पंचवर्षीय योजना बीती, नियर अबाउट 9 साल बीत चुके हैं, 10वां साल जो है चल रहा है, तो 10 साल रहे ना सबसे बड़ा 9 साल के अंदर सबसे बड़ा काम ये है, हम सुरक्षित घूम रहे हैं आज, हमारी मैं भी और मेरी जो माँ बहन है वो भी सुरक्षित घूम रहे हैं, नहीं पहले का स्थिति बहुत बेकार थी, बहुत बढ़िया। अब इन्होंने कह रहे 371 तुम बता दो कहाँ, आ जाओ तो आ जाओ, गालो अरे आ जाओ आगे आ जाओ, 371 से बहस करना पागल है, मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा तेरे से, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी, मोदी योगी, 24 में मोदी जी, 29 में योगी जी, दूसरा कोई ना है। पहले विपक्ष का दुल्हा कौन है पता है? दुल्हा कौन है पता है किसी को? राहुल गांधी कहते हम बनेंगे, नीतीश कुमार कह रहे हम बनेंगे, ममता बनर्जी कह रहे हम बनेंगे, दुल्हा सब है इसमें, पीएम उम्मीदवार सब है। देखिए नीतीश तो नीतीश ही का एतराज है इंडिया के नाम पर, जो घटक दल है का और जेडीयू का नेता बनता है प्रधानमंत्री सपने देखता है उसमें नाराजगी है, तो विपक्ष टूटा हुआ फूटा हुआ है, और जो विपक्ष इकट्ठा नहीं है उन्होंने इंडिया नाम तो टेक दिया, नकल कौन सी की? जो अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, वो कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, अपने घर की कंपनियां हैं, और कांग्रेस ने आज तक मध्यावी चुनाव दिए हैं, आज तक कोई भी प्रधानमंत्री पूरा नहीं बिठाया, अर्धन अली देवगौड़ा कौन थे कांग्रेस के समर्थन से बनाए, इंद्र कुमार गुजराल कौन थे
कांग्रेस के समर्थन से उनकी सरकार गिराई, और जो चंद्रशेखर कौन थे कांग्रेस ने उनकी सरकार के कितने मुद्दे चुनाव दिए, और जनता जानती है, जनता ने मन बनाया हुआ है, जनता मध्यावधि चुनाव नहीं चाहता, और जनता 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के साथ है, और जो भारतीय जनता पार्टी पहले भी अपने एनडीए कुटुंब को साथ रखती थी। हरप्रीत बादल केंद्रीय राज्य कानून मंत्री जब एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार थी 2014 में अपने एनडीए के कोटे से उसको मंत्रिमंडल में शामिल किया, अरुण पटेल आज मौजूदा है, तो भाजपा का कुंभा बढ़ रहा है और कांग्रेस बौखलाई हुई है और विपक्ष बौखला है। तो कारण क्या है, दो पंचवर्षीय योजनाएं आपने देखी 2014 में 2019 में 2000 अब जो है 24 की बारी है, तो 2024 में आप कितना संतुष्ट हैं मोदी जी के कार्यकाल? सर मोदी जी से तो 100% संतुष्ट हैं, क्योंकि मोदी जी के कारण ही हमारा देश आज ऐसी जगह पहुँच गया है कि पूरे विश्व में पूरे देश में हर जगह मोदी जी का ही नाम है, हमारे देश का नाम है। सिर्फ बीजेपी के आने से, मोदी जी के आने से ही तो ये हो रहा है। इससे पहले बता दीजिए कि मोदी जी के आने से पहले कोई भी हमारे देश का प्रधानमंत्री या कोई भी बड़ा नेता विदेश में गया हो और इस तरीके से उसका वेलकम हुआ हो, आज तक कोई नेता ऐसा हुआ है? मोदी जी का नाम अगर विदेशों में हो रहा है तो ये हमारे पूरे देश का नाम हो रहा है, और इसी वजह से जो है ना हमारा देश इस बार 2024 में मोदी जी को ही चुनेगा। और अगर कोई सी भी पार्टी अगर इंडिया नाम रख लेती है या कुछ भी नाम रख लेती है, नाम से कुछ नहीं होता, काम भी करना पड़ता है सर उसके लिए। काम करने के लिए कोई भी ऐसे नेता नहीं है जो काम करता हो, देश के लिए काम करता हो या हमारे भारत के लिए कोई काम करता हो। तो ये कन्फर्म है सर कि मोदी जी 2024 में कौन बनेगा इस बार प्रधानमंत्री? देखिए प्रधानमंत्री के लिए तो कोई विकल्प है ही नहीं, लेकिन अभी कल जो इन्होंने एक नाम रखा है INDIA, इंडिया में नहीं बोलूँगा बिकॉज अभी ही जो आज की न्यूज है, अबू आजमी जो SP के विधायक है वो वंदे मातरम को कहने में उनको शर्म आ रही है और वो समझ रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं है। तो आपको एक चीज़ तो पता होना चाहिए कि आप भारत देश में रहते हैं और यहाँ पे जब मतलब प्रेसिडेंट ने यहाँ पे अनाउंस किया था कि राष्ट्रगीत है अपना ये वंदे मातरम, तो उन्होंने एग्जैक्टली बोला था कि इसका जो सम्मान है राष्ट्रगान के बराबर है। तो आपको राष्ट्रगीत बोलने में और कहने में जब शर्म आ रही है तो आप नाम रख कर भी कहाँ से कुछ भी हासिल कर पाएंगे? तो ये जो मैं पहले भी बताया था कि ये जो पूरा विपक्षी दल है ना, बिहार के मुख्यमंत्री जो बहुत ही फेल है, 20-25 सालों में कुछ नहीं किया है उन्होंने, और उन्होंने कुछ दलों को जो इकट्ठा किया है वो उसी टूटे हुए पुल के समान है, और ये 2024 में कम्प्लीटली ढहने वाला है, और 60-70 सालों में तो कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है, और इवन कि अभी वो क्या ही कर लेंगे। और अभी देखिए नॉर्मली क्या है, नीतीश कुमार जो समझ रहे थे कि उनको यहाँ पे कन्वेयर बनाया जाएगा, तो इस तरह से जब ये डिसीजन भी नहीं आया है तो मुझे जहाँ तक पता चला है कि नीतीश कुमार जी अब NDA में शामिल भी होने वाले हैं, और ये कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी, आने वाले समय में नीतीश जी पलटी भी मार सकते हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस बार आपके? देखिएगा मैं भविष्यवाणी करता नहीं हूँ, फिर भी आप अपना मतलब खुद का ओपिनियन? अपना विचार रख सकता हूँ मैं बताना चाहता हूँ जो इस देश के लिए गरीब जनता जातिवाद से लेके ऊपर तक विदेशों तक जिन्होंने इस भारतवर्ष का नाम किया है, और एक सैनिकों के लिए और जो अपने वैज्ञानिकों के लिए भी जो किया है कि आपको मालूम होगा भी हमें 3 यान हमने छोड़ा है भारत के वैज्ञानिकों ने। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री इन चीज़ों में ध्यान देता हो और देश की उन्नति के लिए कार्य करता हो और विदेशों में भी उनका लोहा माना जाता हो, मैं यहाँ विपक्ष के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, विपक्ष का गठबंधन ठगबंधन के बारे में बोलना चाहता, अभी टूट पड़ गई उनके में, नीतीश शाह लालू जी चले गए बैठक से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पर जो जनता है, युवा है, वो अपने रोजगार को देखते हुए अपने जो वकारे हुए हैं क्षेत्र में, जो अपने देश में कार्य हैं उसके कार्य पे ही वोट मिलेगा, और उसमें जिसने अच्छे कार्य किए हैं चाहे मोदी सरकार हो चाहे कोई सी भी सरकार हो कहीं प्रदेश की सरकार हो, वो हारने वाली नहीं है, वो अपने राज्य में अपने केंद्र में सरकार बनेगी, और मोदी की सरकार को कोई वापस लाने वाला है तो उनके कार्य लेके आएंगे और कोई नहीं ला सकता। कौन बनेगा प्रधानमंत्री आपके हिसाब से 2024? ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ बनेंगे, क्योंकि उनका वर्क स्पीक्स लाउडर देन स्पीच, और उन्होंने वर्क किया है इसमें कोई संदेह नहीं है।
चाहे वो भारत की गृह नीति हो, विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, कोविड जैसी एपिडेमिक हो, उसमें सारे लोगों को जो है इंजेक्शन दे करके बचाना हो, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मुफ्त में अनाज दे करके, वो भी केजरीवाल की तरह नहीं कि साइनेड आई जो है हमेशा, टाइमिंग जो नीडी हैं उनको उनके लिए दिया, और इस तरह से जो आदमी देश का सोचता है और देश का भला करता है उसके खिलाफ अगर 26 नहीं 126 लुटेरे और गुंडे एक हो जाएं तभी भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते और नरेंद्र मोदी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत करके उनकी राय जाननी चाहिए कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इस पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो है मोदी गवर्नमेंट के 9 साल के कामकाज से संतुष्ट दिखे, उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है मुहर लगाई, लेकिन ये तो अभी पहली चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आगे भी हम आपको जो है कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस एपिसोड के जरिए तमाम लोगों से बातचीत करके उनकी राय के जरिए आपको हम एक मोटा मोटा ये समझाने की कोशिश करेंगे कि देश में 2024 में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन गुप्ता के साथ मयंक तिवारी, कनॉट प्लेस, दिल्ली।